Hi friends, I'm Dr. Rajiv, Anand, Marriage Counselor and Psychiatrist. हमें खुशी इस बात की कि बहुत सारी महिलाओं ने अनमैरिड भी और मैरिड भी बहुत सारे सवाल हमसे पूछे हैं और हम कोशिश करेंगे आपके उन सवालों का जवाब दें. उनमें से एक सवाल जो बहुत बार पूछा गया है अनमैरिड गर्ल्स, अनमैरिड वुमेन ने भी और मैरिड ने भी, कि अगर उनके पार्टनर का या उनके हस्बैंड का पेनिस अगर साइज में शॉर्ट हो तो क्या करना चाहिए, या उसका कोई रेमेडी है, उसका कोई इलाज है. एक छोटी सी बात हम आपको शुरू में कहना चाहेंगे. सेक्सुअल रिलेशनशिप में माना कि पेनिस का यानी कि मेल जेनिटल का रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है, मगर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ रोल पेनिस का ही है, क्योंकि ये बात शायद आपको सही सोर्स से, सही तरीके से सुनने का, जानने का मौका नहीं मिलेगा. क्योंकि एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो समझी जाती है, समझाई जाती है और फैलाई जाती है कि सेक्स में सिर्फ पेनिस और वजाइना का रोल है. नहीं, आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी या आपकी सेक्सुअल इंटीमेट लाइफ या आपकी इंटीमेट लाइफ आपकी और आपके लाइफ पार्टनर में बहुत सारे डायमेंशन पर होती है. बहुत सारे डायमेंशन पर भी दूसरे के साथ हर पल को एंजॉय करते हैं, हर इमोशन को एंजॉय करते हैं, हर मिनट को एंजॉय करते हैं. और अगर आप उस हर पल को, हर इमोशन को, हर लम्हे को, हर एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं तो फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा एंजॉयबल होगा. लेकिन अगर वो सब नहीं करेंगे, सिर्फ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स पर ही रुक जाएगा, तब ये सब सवाल आपको परेशान करेंगे. और जहाँ तक साइज का सवाल है, आप सभी महिलाओं को एक बात बता दें जो शायद अब तक आपने उस नज़रिए से कभी नहीं सोची होगी. आपकी जो फीमेल जेनिटल पार्ट, जिसको वजाइना कहते हैं, एक ट्यूब की तरह है, एक डिफ्लेटेड बैलून की तरह है, गुब्बारे की तरह जिसकी हवा निकली हुई है, वो एक 2 इंच साइज में होती है. आपकी डिफ्लेटेड वजाइना का साइज तकरीबन 2 इंच होता है, एक पोटेंशियल स्पेस होता है. जैसे एक बैलून को अगर हम इन्फ्लेट कर दें यानी उसमें हवा भर दें तो वो बड़ा हो जाएगा. तो जब आपको एक्साइटमेंट होता है, जब आपको अराउजल होता है, तो आपकी वजाइना का साइज तकरीबन 4 इंच हो जाता है, और वो भी एक पोटेंशियल स्पेस है. और एक हकीकत जो आप लोगों में से कुछ लोग शायद जानते हैं मगर बहुत लोग नहीं जानते, कि आपकी वजाइना का सबसे बाहर का, सबसे लोअर 1/3 पोर्शन, सिर्फ उसमें सेंसिटिविटी होती है, यानी उसमें सेंसेशन होती है जहाँ छूने से आपको प्लेजर मिल सकता है. अंदर का 2/3 में नहीं होता. तो यानी 4 इंच अगर आपकी वजाइना एक्सपैंड होने के बाद, एक्साइट होने के बाद उसका साइज है, और उसमें लोअर 1/3, तो लोअर 1/3 को अगर हम राउंड फिगर भी कर दें तो यानी कि 2 इंच हुआ. तो यानी अगर 2 इंच भी अगर साइज है मेल पेनिस का, मेल ऑर्गन का, दैट इज़ गुड इनफ टू टच योर सेंसरी पॉइंट्स इनसाइड द वजाइना. यानी कि साइज के ग्राउंड पर कोई मेल आपको सेटिस्फाई करने में असक्षम या इनकैपेबल नहीं है. ये बात है साइंटिफिक. वो अलग बात है कि आपने सुना क्या है, वो अलग बात है कि कॉस्मेटिक आस्पेक्ट क्या है, वो अलग बात कि हमारे डिज़ायर क्या है, वो अलग बात कि हमारी फैंटेसीज क्या है, वो अलग बात कि हमने कौन सा लिटरेचर पढ़ा है, कौन सी मैगजीन पढ़ी है, क्या पढ़ा है. माना कि हर इंसान को लंबे आदमी पसंद आते हैं, लंबी लड़कियाँ पसंद आती हैं, लंबी हाइट वाले लड़के पसंद आते हैं, वो हमारी सोशल कंडीशनिंग है. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो लोग कम हाइट के होते हैं वो दुनिया में बिल्कुल फेलियर होते हैं. ऐसा तो नहीं है जो कम हाइट की लड़कियाँ होती हैं वो ज़िंदगी में उनको जीने का हक ही नहीं. ऐसा तो नहीं है, वो भी काम करते हैं. बहुत सारे कम हाइट की लड़कियाँ, कम हाइट के लड़के भी हर प्रोफेशन में होते हैं. ठीक उसी तरह आपके हस्बैंड का या आपके बॉयफ्रेंड का मेल ऑर्गन का पेनिस का साइज क्या है वो उतना मैटर नहीं करता. फंक्शनली, कॉस्मेटिकली, इमेजिनेटिवली, फैंटेसी वाइज मे मैटर फॉर यू एंड यू आर एंटाइटल्ड फॉर इट, व्हाट एवर यू वांट टू हैव इट, बट टेक्निकली मैटर नहीं करता अगर आपके पास स्किल्स हैं तो, अगर आपके पास रिलेशनशिप की स्किल्स हैं तो, अगर आपके पास इंटीमेट लाइफ के और डायमेंशन की पूरी समझ है तो वो साइज मैटर नहीं करता. फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, साइज मैटर करना ही चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलकर कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, जो जिस हद तक उसको बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी, एंड मैं इस बात को बहुत क्लियर करके कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबिलिटी नहीं होती. कुछ केसेस में, कभी कभी कुछ केसेस में कुछ पेन फैक्टर्स की वजह से पूरा इरेक्शन नहीं आ पाता, या फ्रंट स्किन पूरी पीछे नहीं जा पाती, वहाँ आपका डॉक्टर आपके मेल पार्टनर को एग्जामिन करने के बाद कुछ सलाहें दे सकता है. आप लोगों ने सवाल खुलकर पूछा, हमें अच्छा लगा, हमने आपको जवाब दिया, हमें उम्मीद है आपको हमारा जवाब भी अच्छा लगा होगा.
You can share this video with your friends. Maybe unki life mein bhi, unki andheri mein bhi roshni aayegi. Wish you all the best. We want your married life to be a great one. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें।